हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप न्यू जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट विदाउट फ़ोन नंबर। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जीमेल के ऑफिशियल ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो न्यू जीमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको टॉप पे प्रोफाइल वाला एक आइकन देखने को मिलता है, तो आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे जीमेल आईडीज देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड अनदर अकाउंट, तो आपको ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जिसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको गूगल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको गूगल पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप क्लिक करो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन का फिंगरप्रिंट लॉक को अनलॉक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप अनलॉक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, तो अपने लिए क्रिएट करना है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रिएट अ गूगल अकाउंट एंटर योर नेम, तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर देना है। तो मेरा नाम है राज शेखर, ठीक है। नेम एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बर्थ डे एंड जेंडर एंटर करना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट अपना मंथ एंटर करना है, मंथ, ठीक है। तो मेरा मंथ है जुलाई। के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट एंटर करना है, डेट पे क्लिक करना है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ का डेट है 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईयर पे क्लिक करना है, कौन सा ईयर में आप बॉर्न हुए थे, ठीक है, ईयर पे क्लिक करना, ठीक है, 2001। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर पे सिलेक्ट करना है, तो मैं हूँ मेल, मेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट अ जीमेल एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर कर देना है, राजशेखर, ठीक है, राजशेखर। उसके बाद यहाँ पे अपना कुछ भी दे देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये यूज़र नेम पहले से ही किसी ने ले लिया है, तो आप कुछ डिफरेंट देना, राजशेखर टेक 1 2 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, तो यहाँ पे आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करना, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल, तो पासवर्ड में आप हमेशा लेटर के साथ नंबर और सिंबल यूज़ कर देना, जैसे कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऐड फ़ोन नंबर वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्किप वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप सिंपली स्किप पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन यूज़ दिस ईमेल एड्रेस टू साइन इन लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड टर्म्स गूगल का एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको सिंपली अग्री पे क्लिक कर देना है। आप चाहे तो रीड कर सकते हो, अग्री, आई अग्री। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। गूगल सर्विस ये थोड़ा लोड होगा, चेकिंग इन्फॉर्मेशन। सो फाइनली हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो मैं जीमेल ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ।
प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सो फाइनली आप देख सकते हो हमारा जीमेल अकाउंट राजशेखर tech123@gmail.com क्रिएट हो चुका है। इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। गूगल कम्युनिटी टीम राज टेक अ नेक्स्ट स्टेप बाय कस्टमाइजिंग योर गूगल अकाउंट। सो देख सकते हो हमारा जीमेल न्यू आईडी क्रिएट हो चुका है। लेट्स गेट स्टार्टेड राज, वेलकम टू गूगल, योर न्यू अकाउंट कम्स विद एसेस टू गूगल प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो विदाउट फोन नंबर।